केंद्रीय महासंघ के आह्वान पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी और पोस्टमैन एवं एमटीएस धनबाद प्रमंडल के कर्मी बुधवार को हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जिले के सभी डाकघरों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। प्रधान डाकघर कार्यालय के समक्ष हड़ताल पर बैठे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन के प्रदेश प्रमंडलीय सचिव पुरंजय कुमार ने बताया कि वर्तमान सरकार जो नीतियां ला रही हैं वो कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों के ही हित में नहीं है। पुरंजय कुमार, क्या आज कार्यक्रम आप लोग क्या किया? आज हमारा एनएपी के आह्वान पर पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल है। किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुख्य मांगों में है निजीकरण और निगमीकरण पर रोक लगाने के लिए, और बचत बैंक खाता जो डाक विभाग का है उसका पेमेंट बैंक में विलय को रोकने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए हमारी मुख्य मांग है। सर, अभी जो रक्षाबंधन है उसमें कई लोगों को राखी पोस्ट वगैरह करना है, सर इस बीच ये कार्य? ये हमारा पहले 4 तारीख का था, बाद में हमारा पेपर करके 10 तारीख किया गया, और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कल मुहर्रम के दिन भी, सरकारी छुट्टी के दिन भी, जितना भी हमारा डाक अवेलेबल था आया था राखी सब वितरित कर दिया गया। तो आज तो कार्य बाधित होगी? आज कार्य बाधित होगा, कल इसको हम लोग के तो कौन होगा इसका जिम्मेवार? जिम्मेवार होगी सरकार। जो निगमीकरण और निजीकरण का तलवार चल रहा है, अभी जो हमारे साथी रिटायर कर रहे हैं, पहले रिटायरमेंट के दिन ही भुगतान होता था, सब भुगतान भी बंद हो गया। मार्च में हमारे साथी जो रिटायर किए अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। नया रोड मैप बना के धीमे धीमे निजीकरण का तलवार चलाया जा रहा है। जो बचत बैंक खाता है जिसमें हमारे करोड़ों देशवासियों का पैसा लगा हुआ है, अब वो पेमेंट बैंक लिमिटेड में उसका विलय हो रहा है। तो क्या लगता है जैसे हड़ताल से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? सरकार तक तो आवाज़ तो जाएगी, आगे की रणनीति भी? आगे की रणनीति अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग ये एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है कि केंद्र सरकार अभी एक नया स्कीम लाई है कि डाकघर के जितने भी बचत योजना है उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रही है। अगर ये हो जाती है तो डाक विभाग का सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और जितने भी डाकघर के अभिकर्ता हैं जो डाकघर से जुड़े हुए हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरी है न्यू पेंशन को हटाकर ओल्ड पेंशन को लागू करना। तीसरा है रिक्त पदों को भर्ती करना। चौथा है आपका निजीकरण पर रोक लगाना। पांचवा है आपका, अभी आप नया एक शुरू हुआ है कि जो खाली पदों पर बाहर से काम करवाया जाता है उनको प्रतिदिन जो डेली वेजेज भुगतान की जाती थी वो भी अब डेली भुगतान नहीं हो रही है। जब डेली वेजेज का भुगतान नहीं हो रहा है तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। इसी सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं, और धनबाद के सभी डाकघर पूर्णतः 100% एकदम बंद है। हड़ताल सफल है, और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। अगर होगी तो इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये रक्षाबंधन का अभी समय है, पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्षाबंधन का समय है तो किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम कर्मचारी पब्लिक के लिए, पब्लिक सेवा के लिए ही काम करते हैं, तो जब हमारी कुछ दिक्कत आएगी तो सभी का दायित्व तो बनता है कि हम लोग के बारे में भी सोचे, और ऐसा नहीं है। अभी रक्षाबंधन 12 तारीख को है तो आज हमारा डाकघर हड़ताल है, बाकी बचे 2 दिनों में जितने भी राखियां हैं वो लगभग लगभग तो बट चुकी है, और जो बचा है वो 2 दिन में बटकर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए लोगों को इससे कोई राखी वाले में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये आपका नाम और कौन से संघ से है ये बता? अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी धनबाद।